जबलपुर बारात लेकर जा रहे दूल्हे की कार का अचानक रास्ते में खत्म हुआ पेट्रोल। दुल्हन कार में बैठी रही दूल्हा कार से उतरकर अपने साथियों के साथ धक्का लगाते हुए कार को पहुंचा पेट्रोल पंप। NSUI ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर इस तरह का अनूठा विरोध कार्यक्रम किया जिसमें साफा पहनकर दूल्हे ने लगाया कार को धक्का। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। NSUI के इस प्रदर्शन में बाकायदा बारात सजी और कार में दूल्हा दुल्हन बैठे। सभी लोग कार में बैठकर नौद्रा ब्रिज में पेट्रोल खत्म हो जाने के कारण वहां से तैयब अली चौराहे तक कार को धक्का लगा कर ले जाते हुए बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्य के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से दूल्हा दुल्हन बने। दूल्हा कार से बाहर उतर कर धक्का लगाता हुआ यह नज़ारा लोगों के लिए काफ़ी देर तक कौतूहल का विषय बना रहा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर विरोध कर रहे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्य शाहनवाज अंसारी ने बताया कि उसकी बारात में जाने के लिए बाराती भी खड़े हुए थे और वाहन भी थे, पर इतना पैसा नहीं कि वह वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवा सके। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यह अनूठा विरोध किया गया। NSUI ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट नहीं आती है तो फिर आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से और मेरी गाड़ी के पेट्रोल खत्म होने से मैं अपनी बारात पैदल ले जा रहा हूं और लगातार पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि हो रही है। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि रेटों पर अंकुश लगा जाए और जो वेट टैक्स जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है ये टैक्स खत्म हो। कहाँ तक ले जा रहे हैं बारात? बारात यहाँ से हम अभी तैयबली पेट्रोल पंप तक ले जा रहे हैं। अभी ये दूल्हा बनने का क्या सुझाव आपको तो मुझे क्या बताऊँगा मैसेज? इसमें हम एक मैसेज देना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद हम अपनी बारात कार से ना ले जाकर पैदल अपने साथियों के साथ बारात में शामिल हो गए हैं। नाम बता दें। शाहनवाज अंसारी, जिला महासचिव NSUI। वजह क्या है? पूरे देश और प्रदेश में पेट्रोल और डीजल वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है तो ये हालात बन चुके हैं कि गाड़ियों में डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है और हम इतने सामर्थ्यवान भी नहीं हैं कि 100 रुपये लीटर डीजल या पेट्रोल भरवा सकें। घर वालों ने भी जो गाड़ियाँ रखी हैं डीजल खाली हो चुके हैं, पेट्रोल खाली हो चुके हैं। आज हमारे युवक कांग्रेस के एक साथी की बारात में हम लोग जा रहे थे लेकिन सभी गाड़ियों के पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। हम आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को चेताना चाहते हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मामा को चेताना चाहते हैं कि जनता को परेशान करना और ठगना बंद करें और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि की वापसी करें। और जब तक युवक कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी जब तक कि पेट्रोल और डीजल मूल्य वृद्धि वापस नहीं हो जाती।